जनाब, ये देखें जी, बहुत ही हमने जो है वो रिस्क लिया है, बड़ा मुश्किल स्टेप लिया है, सिर्फ और सिर्फ उन आवाम उन लोगों का हाल देखने के लिए, उन लोगों तक पहुंचने के लिए कि जो लोग सैलाब से मुतासरीन हैं, अंदरूनी इलाका हैं, उनका क्या हाल है, किस कर्ब से वो गुज़र रहे हैं। ये देखें जी, ये पानी के हालात देखें, ये चारों तरफ देखें, ये फसलें फसलें डूबी हुई हैं, और ये सैनिटरी टीम जो है ये मूव कर रही है। तकरीबन कोई हम ये पैदल सफ़र 3 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके आगे आ रहे हैं, और टोटल ही पानी से ही सफ़र किया है। तो सिर्फ इसलिए कि आवाम की आवाज़, आवाम का हाल आप दोस्तों तक, आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इस इमदाद में हिस्सा करें, हिस्सा अदा करें, इसको इजी ना लें। आज ये सूरत हाल हमारे ऊपर है, ये सूरत हाल कल को आप लोगों पे, बाकी लोगों पे भी आ सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने बहन भाइयों का, पाकिस्तानियों का बाजू बनना चाहिए, उनके हिम्मत देनी चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े होना चाहिए, उनकी मुश्किलात में साथ देना चाहिए, उनकी जिस वे से भी मदद हो सकती है उनकी मदद करनी चाहिए। जज़ाकअल्लाह। ये देखें जी, बड़ा ही मुश्किल और कठिन सफ़र है। ठीक है, असां अली पानी च वधूं। ये हां, असां अली पानी च वधूं। ये देखें कितना मुश्किल सफ़र है। ये कड़िया हुई हुई बड़ी मुश्किल से फंसी। ये खाला है, ओए होए, एहतियात से भाई, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, ज़रा सी भी गलती जो है ये आपको गिरा सकती है। पानी, ओए मैं अभी गिरने लगा था, बच गया हूँ। ओए ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। ये देखें, ये हम उन आखिरकार उस बस्ती तक, पहुँचने वाले हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत ही कठिन था, ये बहुत बड़ा रिस्क था। ओए होए होए, ये जी आप भी आए इस वसेब में, लोगों का हाल बन देखें, लोग तरस रहे हैं भूख के लिए, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। अब पहनने के लिए इन्हें ना दें, इन्हें सोने के लिए कुछ ना दें, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए दें, तो ये भी आपका इस वस्त। जाकला जी, ये हम जो हैं तकरीबन ये अब बाहर निकल आए हैं, ये बस्ती तक पहुंच गए हैं। ये देखें कितना ही मुश्किल और कठिन, कांटों से भरा हुआ रास्ता है। ये मैं जूता पहन लूँ क्योंकि और पाँव में हिम्मत नहीं रही कांटे लगने की, अच्छे खासे कांटे लग चुके हैं। ये देखें जी, ये लोगों के हालात देखें, यहाँ तक कौन आता है, सब जो है वो रोड के ऊपर आते हैं, राशन तकसीम करके चले जाते हैं और वीडियो बनाते हैं, ना कि आवाम की आवाज़ बने, जो हकदार हैं उन तक उनका हक पहुँचाए। ये देखें, ये रेलवे लाइन है, खुदा रहा इस रेलवे लाइन के ऊपर भी आएँ, ये हर तरफ रेलवे लाइन के ऊपर आपको खेमे ही खेमे नज़र आएंगे, ये मुतासर लोग नज़र आएंगे। ये पानी देखें, हमने 3 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, कोई कश्ती नहीं देखी, कोई 1122 वाले नहीं देखे। इंसान सिर्फ शहर के लोग नहीं हैं, इंसान तो गांव के लोग भी हैं, उनको भी ज़रूरत है, उनको भी आसरा चाहिए, उनको भी दोस्त चाहिए, उनको भी एहसास करने वाले लोग चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शहर वाले नहीं, क्या आप आते हैं ब्रेक लगाते हैं शहर में, कश्ती पकड़ते हैं, चारों तरफ जो है वो वीडियो बनाते हैं, चार छापर बांटते हैं और निकल आते हैं, नहीं, इनका क्या कसूर है, ये भी तो आपके मुंतज़र हैं, क्यों इनके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही, क्यों इनको इग्नोर किया जा रहा है। ये देखें तो सही, क्या यहाँ पे कोई फसल है, क्या वो कुछ खा सकते हैं, कोई सब्ज़ी है, कोई वसाइल है, कोई वसीला है, हम जिस तरह से आए हैं हमें पता है, कोई वसीला नहीं है इनके पास, पता नहीं ये भूख से किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो खुदा के लिए, अपने घरों से जब निकलते हैं तो इस तरफ भी